अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? जी मैम, ठीक है। अच्छा, ये HDI हो गया। अब HDI के बाद जो है ना, ये पॉवर्टी का टॉपिक है, यानी के गुर्बत का टॉपिक है। ठीक है, व्हाट इज पॉवर्टी? इसमें सबसे पहले पॉवर्टी की डेफिनेशन है, इसके बाद उसकी कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ इसके मेजर्स हैं कि हाउ टू रिमूव पॉवर्टी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि पॉवर्टी किसको कहते हैं। पॉवर्टी इज अ स्टेट और कंडीशन इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एसेंशियल्स फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कम से कम जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यानी जिसमें तीन चीजें आ जाती हैं, शेल्टर आ जाता है और फूड और क्लोथ आ जाता है। ठीक है, तो कम से कम जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये बुनियादी जरूरियात ही है। तो कम से कम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में एजुकेशन भी आ जाती है। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, उसको भी अगर अचीव ना कर सके तो वो फिर पॉवर्टी में आ जाते हैं। ठीक है, वो लोग, वो रेजिडेंट्स किसी भी कंट्री के, वो पीपल जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अचीव ना कर सकें, जो बेसिक एसेंशियल्स को अचीव ना कर सकें, ना हासिल कर सकें, वो पॉवर्टी में आ जाते हैं, वो गुर्बत में आ जाते हैं। पॉवर्टी मीन्स दैट द इनकम लेवल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इज सो लो दैट बेसिक ह्यूमन नीड्स कैन नॉट बी मेट। जो इनकम अर्न कर रहे हैं, जो इनकम हासिल कर रहे हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट से, वो इतनी है ही नहीं कि आप उससे अपनी बुनियादी जरूरियात जिंदगी को पूरा कर सकें। पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल एंड फैमिलीज माइट गो विदाउट प्रॉपर हाउसिंग, क्लीन वाटर, हेल्थी फूड। अब देखें, इसमें बुनियादी जरूरियात आ गई आपकी। प्रॉपर हाउसिंग, सबसे पहले घर सही होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रॉपर हाउसिंग नहीं है, जैसे आप जो है ना, वो अगर लॉन्ग ड्राइव पे आप गए हो, बहुत सारे ऐसी जगह आती हैं कराची में भी जहाँ पे छोटे छोटे घर, कच्चे घर और ऐसे बने हुए होते हैं जिनकी छतें कच्ची होती हैं, और ऐसे ही बस उन्होंने जो है ना, वो लोहे के रखे हुए होते हैं, लोहे के पीसेस रखे हुए होते हैं अपनी छत के तौर पे। तो प्रॉपर हाउसिंग भी इनकी नहीं होती है, और नालों के करीब, वो गंदे नालों के करीब जो है ना, वो उनके घर बने हुए होते हैं, गंदगी के ढेर जमे हुए होते हैं। क्लीन वाटर, उनके पास पानी साफ नहीं है। ठीक है, हेल्दी फूड, अच्छी गिजा नहीं है। मेडिकल अटेंशन, उनकी सेहत के लिए कोई भी ऐसे जो है ना, वो इंतजाम, कोई भी बंदोबस्त नहीं है उनकी सेहत का, कि अगर कोई मसला हो जाता है तो वो क्या, किस तरीके से उसको मैनेज करें, बिकॉज दे लैक फाइनेंशियल रिसोर्सेस। उनके पास अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है, तो वो ये सब कुछ अटेंड नहीं कर सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन की जरूरियात हैं। वो सब कुछ वो अटेंड नहीं कर सकते हैं, सब कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। ईच नेशन में हैव इट्स ओन थ्रेशोल्ड दैट डिटरमिन्स हाउ मेनी ऑफ इट्स पीपल आर लिविंग इन पॉवर्टी। हर कौम, पाकिस्तानी कौम की अगर बात करें, तो पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान का अपना एक पॉवर्टी लाइन है इसकी, उससे वो जो है ना, वो पॉवर्टी लाइन एक स्टैंडर्ड है, गुर्बत की लकीर कहते हैं इसको उर्दू में। तो कितने लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं, वो फिर बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में आ जाते हैं जो पॉवर्टी लाइन से भी बिलो हैं। पॉवर्टी स्टेटस इन द UN इज असाइन टू पीपल दैट डू नॉट मीट अ सर्टेन इनकम थ्रेशोल्ड। देखें, आप ये पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे हैं कि एक खास इनकम लेवल है, अगर लोग जो है ना, वो उसको भी पूरा नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाते हैं, पॉवर्टी में आते हैं वो। पॉवर्टी रेट्स इन द US, द परसेंटेज ऑफ US पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी आर कैलकुलेटेड बाय US ब्यूरो ऑफ सेंसस। अब ये बताया हुआ है, US की बात की जा रही है इसमें। फैक्टर्स ऑफ पॉवर्टी: एक्सेस टू गुड स्कूल, हेल्थ केयर,
इलेक्ट्रिसिटी, सेफ वाटर, अदर क्रिटिकल सर्विसेज रिमेन्स लूसिव फॉर मेनी एंड इज ऑफन डिटरमिन्ड बाय सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, जेंडर, एथनिसिटी, ज्योग्राफी। अब ये फैक्टर्स ऑफ पॉवर्टी बताया हुआ है कि पॉवर्टी के कौन से फैक्टर हैं, यानी आप किस तरीके से डिटरमिन करते हैं पॉवर्टी को। अगर स्कूलिंग यानी कि एजुकेशन अच्छी नहीं है, अगर हेल्थ केयर नहीं है, अगर बिजली की सहूलियात नहीं है, पानी की सहूलियात नहीं है, और जो अहम जरूरियात होती हैं, एक मिनट होल्ड करें। हेलो जी, जी जी मुदस्सिर यूनिवर्सिटी, बेनजी यूनिवर्सिटी से। तो अच्छा अच्छा मीज़ान बैंक से। जी जी फरमाइए। जी जी क्या हो रहा है? ज़कात है। देखें ज़कात आप लोग मतलब, अच्छा मैं इस पे दोबारा कॉल कर रही हूँ आपको कुछ देर के बाद, अभी ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ असल में। ज़कात तो वैसे हम देते ही हैं, ये मसला नहीं है ज़कात का। तो क्या करना होगा फिर मुझे इसके लिए? अच्छा अच्छा तो असल में मैं अकाउंट जो है ना वो अभी एनआई से एक्सपायर हो गया है, तो ब्लॉक है कुछ, तो उसको मुझे जो है ना वो कल जाके फिर एक्टिव करवाना है। आज कल तो एक बंद होगी, कल तो इतवार है, मंडे को या आज आके फिर जो है ना वो, आज कितने बजे तक खुली है बैंक? शिराज को भी बोलो कि मैम से बोल ले, शिराज को भी चाहिए था ना ज़कात। ठीक है, टोकन भी है और एनआई भी आ भी जाएगा। जी 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 वेलकम बैक। फैक्टर्स ऑफ पॉवर्टी डिस्कस कर रहे थे हम, तो इसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। और कुछ जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, यानी कि सोशली बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ पर ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं कि रेस क्या है, एथनिसिटी क्या है, जेंडर क्या है, ये सारी चीजें भी पॉवर्टी के फैक्टर को अफेक्ट करती हैं। फॉर दोज एबल टू मूव आउट ऑफ पॉवर्टी, प्रोग्रेस इज ऑफन टेम्पररी, इकोनॉमिक शॉक्स, फूड इनसिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज थ्रेटन देयर ग्रेन्स एंड मे फोर्स देम बैक इनटू पॉवर्टी। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पॉवर्टी से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो है वो इकोनॉमिक शॉक्स आ जाते हैं, फूड की इनसिक्योरिटी होती है, क्लाइमेट की चेंजेस होती हैं, यानी सीजन अगर चेंज हो जाता है, एग्रीकल्चर की अगर खासतौर पर बात करें, क्लाइमेट के चेंजेस होते हैं, रेनफॉल अगर नहीं होती तो उसकी वजह से क्या होता है, थ्रेटन ग्रेन्स, उनके अनाज की कहत हो जाता है, अनाज का कहत हो जाता है, कमी पड़ जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो दोबारा से जो है ना वो बैक हो जाते हैं पॉवर्टी में, दोबारा से चले जाते हैं पॉवर्टी। अच्छा आपको आवाज आ रही है सबको? हेलो आवाज आ रही है सबको? जी पॉवर्टी इज अ डिफिकल्ट साइकिल टू ब्रेक, एक बहुत ही मुश्किल साइकिल है, एंड ऑफन पास
फ्रॉम वन जेनरेशन टू द नेक्स्ट। नॉर्मली क्या होता है, अक्सर यही होता है कि एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में वो मुंतकिल होती जाती है। तो लोग जो है वो उससे निकलने की अगर कोशिश भी करते हैं तो बहुत सारे जो रिसेशन होते हैं, इकोनॉमिक शॉक्स होते हैं। जैसे एक शॉक अभी जो हम सब लोग जिसको फेस कर रहे हैं वो COVID-19 है, ठीक है। कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी पर बहुत ही ज़्यादा बुरे असरात हुए हैं। तो जो लोग पहले से पॉवर्टी में हैं, गुर्बत में हैं, उन पर उसके ज़्यादा बुरे असरात हुए हैं। तो क्या होता है कि भाई इसी तरीके से लोग जब पॉवर्टी से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि वो दोबारा से उसमें चले जाते हैं। जब कोई भी ऐसा शौक आता है, जब कोई भी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जो पूरे मुल्की हालात को जो है ना वो अपनी पूरी आलमी सत्ता पर अपनी लपेट में जो ले लेते हैं। पॉवर्टी इज अ डिफरेंट, तो इसीलिए इसको कहा गया है बहुत ही मुश्किल साइकिल है। टिपिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉवर्टी इंक्लूड अल्कोहल सब्सटेंस अब्यूज। फिर क्या होता है भाई के टिपिकल कॉन्सिक्वेंसेस यानी के जो रिजल्ट्स होते हैं आमतौर पे पॉवर्टी के रिजल्ट्स क्या होते हैं, अल्कोहल सब्सटेंस यूज, लेस एक्सेस टू एजुकेशन, तालीम का मयार बहुत ही कम होता है, ना होने के बराबर, और नशा और अशिया का इस्तेमाल होता है वहाँ पर, पुअर हाउसिंग, घर के हालात जो है ना वो बहुत खराब हो जाते हैं कि भाई जो रहने की रहन सहन की जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं। लिविंग कंडीशंस लिखा हुआ है ना, पुअर हाउसिंग, लिविंग कंडीशंस एंड इंक्रीज लेवल ऑफ डिसीज, बहुत ही ज्यादा बीमारियां। हाइट इन पॉवर्टी इज लाइकली टू कोज इंक्रीज टेंशंस इन सोसाइटी एज इनइक्वालिटी इंक्रीजेस। टेंशंस उस वक्त बहुत ज्यादा शदीद हो जाती हैं जब इनइक्वालिटी जिसको कहते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन, एक क्लास बहुत ही ऊपर है, एक क्लास बहुत ही नीचे है, ठीक है। एक हाई क्लास है जिनके पास तमाम सहूलियात हैं और एक क्लास ऐसी है जिनके पास बेसिक नीड्स भी नहीं है। तो ये सोसाइटी को दो हिस्सों में टुकड़े कर देती है। दीज इश्यूज ऑफन लीड टू राइजिंग क्राइम रेट्स इन कम्युनिटीज अफेक्टेड बाय पॉवर्टी। अच्छा फिर क्या होता है कि गुर्बत जो है ना वो धीरे धीरे ग्रेजुअली लोगों को किस तरफ लेके आती है, क्राइम्स की तरफ ले आती है, जराइम की तरफ ले आती है। जितनी ज्यादा पॉवर्टी होगी उससे क्या होगा, पॉवर्टी बढ़ती जाएगी तो कम्युनिटी में जो क्राइम के रेट होते हैं, जो जराइम के का की शरह होती है ना वो बढ़ती जाती है। चोरी, कत्ल, वारदात और ये सब कुछ, डाका डालना, सरेआम लूटना, ये सब कुछ जो है ना वो बहुत आम होता जाता है। तो अब देखें पाकिस्तान है, डेवलपिंग नेशन है, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि पॉवर्टी की अच्छी खासी रेट है, पॉवर्टी बहुत इसमें पाकिस्तान में जो है ना वो पॉवर्टी की भी कंडीशन ऐसी ही है, तो यहाँ पर भी जराइम की जो हालात हैं वो इसीलिए ज्यादा हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी गुर्बत में लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हेलो, स्पेशल कंसीडरेशन, द यूएन एंड द वर्ल्ड बैंक आर मेजर एडवोकेट्स इन रिड्यूसिंग वर्ल्ड पॉवर्टी। द वर्ल्ड बैंक हैज एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी टू लेस देन 3% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन बाय 2030। अब ये वर्ल्ड बैंक का एक टारगेट बताया हुआ है इन लोगों ने कि यूएन और वर्ल्ड बैंक दोनों जो है ना वो उनकी कोशिश है कि दुनिया से जो है ना वो गुर्बत को खत्म किया जाए, और वर्ल्ड बैंक का टारगेट ये है कि बाय 2030 3% से भी कम हो जाए गुर्बत जो है। Some of the actionable plans to eliminate poverty include the following. Globally, जो वर्ल्ड बैंक के स्टेप्स हैं, जो प्लान्स हैं, उसमें कुछ बताए हुए हैं। देखें आप, इंस्टॉलिंग वेल्स, दे प्रोवाइड एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। वेल्स कुओं को कहते हैं, कुओं की खुदाई करना, कुओं की तामीर करना ताकि सबको साफ पानी मिल सके। एजुकेटिंग फार्मर्स ऑन हाउ टू प्रोड्यूस मोर फूड।
फार्मर्स जो हैं, किसान हैं, उनको तालीम फ़राहम करना ज़रात से मुतल्लिक, ताकि उनको ये पता चले कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स और फूड की प्रोडक्शन के लिए उनको क्या करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिंग शेल्टर फॉर द पुअर, जो गरीब लोग हैं जिनके पास शेल्टर भी नहीं है, जिनके पास एक रूफ भी नहीं है जिसके नीचे वो जो है ना वो जिंदगी गुजार सकें, रात गुजार सकें, तो उनके लिए हाउसिंग की प्रॉपर अरेंजमेंट करना, बिल्डिंग स्कूल्स टू एजुकेट डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, ऐसी कम्युनिटीज जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास तालीम नहीं है, उनके लिए स्कूल्स बिल्ड करना, प्रोवाइडिंग इनहेंस्ड एक्सेस टू बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज बाय बिल्डिंग मेडिकल क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स, और उसके बाद हेल्थ केयर के लिए मेडिकल हाउसेस, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, ये सब कुछ बनाना। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो स्टेप्स लिखे हुए हैं, 5 स्टेप्स हैं ये, और ये 5 स्टेप्स बता रहे हैं कि पॉवर्टी को रिड्यूस, देखें स्पेशल कंसीडरेशन में ये 5 स्टेप्स हैं कि ग्लोबली ये 5 स्टेप्स जो है ना वो कंसीडर किए जाते हैं। वर्ल्ड बैंक का ये टारगेट है कि वो इन प्लेन्स पर, इन स्टेप्स पर अमल करते हुए पॉवर्टी को रिड्यूस करे, ख़त्म करे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो दुनिया में पॉवर्टी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको बेहतर ज़िंदगी की तरफ वापस लेके आए, ताकि ऐसा ह्यूमन अल्लाह ताला ने उनको जो अशरफुल मखलूकात बनाया है तो वो उसी के हिसाब से, उसी के लिहाज से अपनी ज़िंदगी को क्या करें, गुजार सकें। फॉर पॉवर्टी टू बी इरेडिकेटेड एज द वर्ल्ड बैंक हैज सेट आउट टू डू, कम्युनिटीज, गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस वुड नीड टू कोलैबोरेट टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज दैट इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस फॉर द वर्ल्ड्स पुअर। अगर वर्ल्ड की जो है ना वो कंडीशन को, दुनिया के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं होगा कि वर्ल्ड बैंक जो है ना वो उसके लिए कोशिश करे, बल्कि गवर्नमेंट हो गई, हुकूमती सतह पर, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं जिनके पास अच्छा खासा फंड है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका ये किरदार है, सोशल उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना रोल प्ले करें इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज, अपनी तमाम स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लिविंग कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए क्या करें, अपना अपना रोल अदा करें, अपना अपना किरदार अदा करें, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर, अच्छा पाकिस्तान में क्या कंडीशन है, यहाँ पर देखें आप, ये डॉन की न्यूज़ है, अक्टूबर 17, 2020, ठीक है। टुडे द वर्ल्ड इज ऑब्जर्विंग द इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेटिंग ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। अब ये इंटरनेशनल पॉवर्टी डे होगा जिस पर ये आर्टिकल आया है। व्हेन द ग्लोबल इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग टू रिकवर फ्रॉम द डिवास्टेटिंग कोविड-19 इम्पैक्ट विच हैज पुश मिलियंस ऑफ पीपल इन टू पॉवर्टी, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ये जो अक्टूबर 17 है, जब लोग पॉवर्टी का डे जो है ना वो इंटरनेशनल पॉवर्टी डे था, जब तो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल जो है ना वो पॉवर्टी में, पॉवर्टी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। यूएनडीपी स्टडी ऑफ, अब ये यूएनडीपी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, यूनाइटेड नेशन की, स्टडी ऑफ 70 कंट्रीज, 70 कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, सेज द कोरोना वायरस आउटब्रेक में सेट ग्लोबल पॉवर्टी लेवल्स ब्रेक बाय 9 ईयर्स विद एन एडिशनल 490 मिलियन पीपल फॉलिंग इन टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अब ये बता रहे हैं कि ग्लोबली कोरोना वायरस की वजह से जो 70 कंट्रीज हैं वो तकरीबन उनकी हालात ऐसे हो गए हैं जैसे 9 साल पहले थे, यानी तकरीबन अ डिकेड अगो
उनके जो हालात थे पॉवर्टी की वजह से, उनकी कंट्री की जो सिचुएशन थी, तो ऐसे ही दोबारा से हो गई है कि 9 ईयर्स की जो एफर्ट्स हैं वो दोबारा से उनको अब करनी पड़ेंगी, क्योंकि 9 ईयर्स अगो जो उनके सिचुएशन थी अब बिल्कुल वैसे ही वो बैक हो गए हैं। 490 मिलियन पीपल के बारे में लिखा हुआ है, 490 मिलियन पीपल जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार हो गए हैं विद द हेल्थ क्राइसिस हैविंग डिवेल्ड इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड, पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब ये जो पॉवर्टी लाइन से भी बिलो जिंदगी गुजार रहे हैं उनकी बात की जा रही है कि हेल्थ क्राइसिस है, यानी सेहत उनकी नहीं है, सेहत उनके पास नहीं है, सेहत के बहुत सारे इश्यूज हैं, स्पेशली इन्फेंट्स में और स्पेशली ओल्ड एज में बहुत सारे इश्यूज हैं। वुमेन, चिल्ड्रन, पर्संस विद डिसेबिलिटीज, ऐसे लोग जो डिसेबल हैं, जिनकी कोई ना कोई जिनके साथ कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, द एल्डरली एंड अदर मार्जिनलाइज ग्रुप्स आर फेसिंग अ ग्रेटर रिस्क ऑफ रिड्यूस फूड कंजम्पशन एंड अर्निंग्स। उसके अलावा क्या है भाई, एक हेल्थ हेल्थ का इशू है, जो वुमेन है, जो चिल्ड्रेन है, जो एल्डर हैं, और वो लोग जो डिसेबल हैं उनको बहुत ज्यादा मसले हैं। उसके अलावा क्या उनको मसला है कि भाई फूड की कंजम्पशन का मसला है, उनके पास गिजा नहीं है, खुराक नहीं है, अर्निंग्स उनकी अच्छी नहीं है कि वो गिजा को हासिल कर सकें, बुनियादी जरूरियात को हासिल कर सकें। दिस इज एज ट्रू फॉर पाकिस्तान एज इट इज फॉर मे एनी अदर नेशन। पाकिस्तान के साथ भी बिल्कुल यही मसाइल हैं जो किसी भी नेशन की, दुनिया की नेशन के साथ हैं जो डेवलपिंग स्टेटस में है। द IMF हैज प्रोजेक्टेड अ शार्प इंक्रीज इन पॉवर्टी इन द कंट्री विद अप टू 40% पाकिस्तानी लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन आफ्टर द पैंडेमिक स्ट्रक, यानी जब से ये, अच्छा एक मिनट होल्ड करें, चार्जर को मैं कनेक्ट करके आती हूँ। अच्छा इसमें बताया हुआ है कि IMF हैज प्रोजेक्टेड अ शार्प इंक्रीज इन पॉवर्टी इन द कंट्री विद अप टू 40% पाकिस्तानी लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन आफ्टर द पेंडेमिक स्ट्रक। अब ये जब से COVID-19 स्टार्ट हुआ है तो 40% तक जो पाकिस्तानीज हैं वो पॉवर्टी लाइन से बिलो जो है ना वो जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके बारे में बताया हुआ है। दिस कंपेयर्स विद एन ADB असेसमेंट ऑफ 24.3% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइन इन 2015। 2015 की बात कर रहे हैं कि 24.3% जो है ना वो पॉपुलेशन अंडर पॉवर्टी लाइन थी, ठीक है, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस 40% से तक जो है ना वो आप लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन से बिलो हो गए हैं। द पॉवर्टी इंसिडेंस वॉज रिपोर्टेड टू बी अबव 31
परसेंट इन जून 2018 में 31% रिपोर्ट की गई अ कपल ऑफ मंथ्स बिफोर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एसेंशन टू पावर। इमरान खान के आने से कुछ महीना पहले जो है ना वो 31% इसको रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन अब जो है ना वो पॉवर्टी विद द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस 40% तक वो हो गई है। ठीक है, दो द गवर्नमेंट अंडर द यूएन्स 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट is committed to cut poverty by 6% to 19% by 2023 तक की बात की जा रही है कि गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशन 2030 के एजेंडा के तहत ये जो है ना वो प्रोजेक्ट किया है कि पॉवर्टी को कहाँ तक लेके आना है by 6% to 19% 19 से 6% के दरमियान लेके आना है 2023 तक। और अभी 2021 चल रहा है, हम अभी देख रहे हैं कि क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है। अभी इन्होंने बताया कि 40% तक जो है ना वो हो चुकी है पॉवर्टी एंड एनेमिक इकोनॉमिक ग्रोथ लोकस अटैक एंट्रेंच्ड हाई फूड इन्फ्लेशन लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पुअर poor policies may already have pushed millions into poverty even before virus reached Pakistan. Pakistan में भी वायरस नहीं पहुंचा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की हालत जो है वो बहुत अबतर हो चुकी थी, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना वो जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तो उनकी पॉलिसीज भी चेंज हुई है और उनकी जो प्रीफ्रेंसेज हैं, जो तरजीहात हैं, वो भी चेंज हो गई हैं। और उनका बेसिक पर्पस ये है कि भाई टैक्स को उन्होंने इंक्रीज बहुत ज़्यादा कर लिया है ताकि जो डेट का बर्डन है वो ज़्यादा से ज़्यादा पे हो सके, डेट का बर्डन पाकिस्तान से कम हो सके। डेट को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया है, सेल्स टैक्स को रेस कर लिया है। सेल्स टैक्स जब से इंक्रीज हुआ है तो पाकिस्तान में महंगाई की शरह बहुत ही ज़्यादा हो गई है, तो यही वजह है ये पॉलिसीज जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो पॉलिसीज भी चेंज हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट असेसमेंट्स द नंबर ऑफ पुअर मे हैव इंक्रीज्ड बाय 8 million इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। ये बता रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनकी तादाद में 8 million से इजाफा हुआ है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट, पहले साल में, इमरान खान की गवर्नमेंट के पहले साल में। एंड वाज प्रोजेक्टेड टू राइज बाय अनदर 10 million इवन इफ द हेल्थ क्राइसिस हैड नॉट डिस्टरप्टेड द इकोनॉमी। अगर कोरोना वायरस का इशू ना आता तो ये 10 million से इजाफा हो जाता नेक्स्ट ईयर में, लेकिन इजाफा बहुत ही ज़्यादा हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। देयर इज़ नो डाउट बिकॉज ये जो वायरस आया है इसका इम्पैक्ट जो पड़ा है वो एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ही ज़्यादा हो गया है। लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, लोगों के रोजगार पे इसने बहुत ज़्यादा असर डाल दिया है। देयर इज़ नो डाउट दैट द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू रैंप अप कैश हैंड आउट्स टू द पुअर टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक डिड हेल्प देम सर्वाइव हार्ड टाइम्स। गवर्नमेंट के डिसीजन भी हुए हैं, कैश हैंड आउट्स भी दिए हैं हार्ड टाइम को स्पेंड करने के लिए, बट दैट इज नॉट इनफ। If the poverty eradication target is to be met, the government must grow the economy at a faster pace, control inflation, significantly increase pro-poor expenditure. अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी पॉवर्टी को कंट्रोल करें तो इसके लिए सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। तो तमाम अशिया जो पुअर पीपल की पहुंच में नहीं है, इनकी परचेजिंग पावर से बहुत दूर हैं, तो उनकी परचेजिंग पावर तक ले आई जाए उन चीज़ों को, उन अशिया को जो सहूलियात ज़िंदगी से वो बहुत दूर हैं,
तो उनको उन सहूलियात को इस लेवल पे ले आया जाए, उनकी परचेसिंग पावर उनको अचीव कर सके और खुद उनको भी इतना जो है ना वो सपोर्ट किया जाए कि वो बेहतर जिंदगी गुजार सके, उनको हर तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए। अच्छा, अब उसके बाद ये देखें आप, पॉवर्टी एंड सेफ्टी नेट्स, चैप्टर 15। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो है ना वो इशू किया हुआ डॉक्यूमेंट है, पॉवर्टी एंड सेफ्टी नेट्स। ठीक है, अब इसमें आप देखें मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी है, उसके बाद जो है ना वो पॉवर्टी के कुछ इसमें प्रोग्राम्स हैं। अच्छा, 1 मिनट आप होल्ड करें, अजान हो रही है, क्योंकि अजान के वक्त रुकना जरूरी है। आप 1 मिनट होल्ड करें। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2013-14 की ये फाइल है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इशू की है। ठीक है, इसमें आप देखें
इरेडिकेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो उनका गोल है उनके इसके बारे में बताया हुआ है। जी तो इरेडिकेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने पाकिस्तान ने क्या क्या स्टेप किए हैं। नॉर्मली आपने टीवी वगैरह पर भी सुना होगा कि पेनेसिव इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है और इस तरीके से कुछ प्रोग्राम्स आगे भी अभी आप देखेंगे इस फाइल में भी इनका तस्करा किया हुआ है। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं इनका बेसिक पर्पस जो है वो क्या है के किसी तरीके से पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए। तो देखें आप होता यह है कि जो फंड लोगों को मिलते हैं इससे वो अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं जो खाने पीने का और खुराक की जो ज़रूरियात होती हैं सबसे पहले वो उसी पर स्पेंड करते हैं। तो यही वजह है कि वही ज़रूरियात इतनी महंगी होती हैं और वही इतनी हाई कॉस्ट की होती हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि फिर लोग जो है उसको एजुकेशन पर स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो उनका जो स्टेटस है वो इसी वजह से चेंज नहीं हो पाता। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट साइकिल उनके लिए हो जाती है कि वो किस तरीके से अपने आप को जो है ना वो साइकिल से आउट करें, बहुत उनके लिए मुश्किल हो जाता है। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग बिलो द इंटरनेशनल द नेशनल पॉवर्टी लाइन अचीव फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। अब ये गोल का बताया हुआ है कि इनका गोल ये है। अब 15 की बात की जा रही है इसमें कि जो लोग हैं उनके पास कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट हो, डिसेंट वर्क हो और एंड हाफ द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम फंगर हु सफर फ्रॉम हंगर। अब हाफ की बात की जा रही है। एम्स टू हाफ बाय 2015 द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग बिलो नेशनल पॉवर्टी लाइन। हाफ पीपल की इन्होंने बात की है कि तकरीबन आधे लोग जो है वो बेहतर हो जाएं। अब देखें सोशल सेफ्टी नेट्स प्रोग्राम्स इसकी बात की जा रही है कि कौन कौन से प्रोग्राम उन्होंने किए हैं। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेस सोशल प्रोटेक्शन सेफ्टी नेट्स एज अ मींस टू मिटिगेट एंड मैनेज रिस्क वल्नरेबिलिटी एंड टू रिड्यूस पॉवर्टी थ्रू ट्रांसफर्स एंड सोशल इंश्योरेंस फॉर रिस्क मिटिगेशन रिगार्डलेस ऑफ प्रायर और फ्यूचर कंट्रीब्यूशन। सोशल सेफ्टी के लिए इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स किए हैं। द टारगेटेड ग्रुप्स फॉर सोशल सेफ्टी नेट्स इंक्लूड कैजुअल इनफॉर्मल वर्कर्स, लो कैपिटल सेल्फ एम्प्लॉयड, लो रैंक फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, वुमेन चिल्ड्रन विदाउट फैमिली और कम्युनिटी सपोर्ट एक्सेट्रा। अब इनके टारगेट कौन हैं? जो वर्कर्स हैं जिनके वेजेस बहुत बिलो हैं, जो वुमेन हैं, जो विडो हैं, जो चिल्ड्रेन हैं जिनकी कोई फैमिली नहीं है, जिनका कोई कम्युनिटी सपोर्ट नहीं है, वो उनका टारगेट है। ठीक है, गवर्नमेंट का। अब पॉवर्टी रिलेटेड कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं। देखिए इसमें ट्रैकिंग ऑफ प्रो पुअर एक्सपेंडिचर्स, देयर एग्जिस्ट फुल कमिटमेंट एट ऑल स्टेज ऑफ गवर्नमेंट टू फॉलो अ सस्टेन्ड पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी एंड टू एलोकेट a minimum of 4.5% of GDP to social and poverty related expenditures. कुछ उन्होंने एक्सपेंडिचर्स ऐसे किए हैं जिससे उनकी कमिटमेंट है कि भाई वो कम मुस्तकिल तौर पर इसको करते रहेंगे। तो 4.5% ऑफ जीडीपी को एलोकेट कर लिया है। ये 13-14 की बात की जा रही है इसमें तो कि 4.5% को उन्होंने एलोकेट कर लिया है। असल में बहुत सारी फाइल्स को हमने जो है ना वो सर्च किया लेकिन जो फाइल आपके लेवल की मुझे
लकी वो यही थी, लेकिन मसला ये आया कि भाई ये जो फाइल्स हैं, फाइल्स का मसला ये है कि या तो वो टाइम से आउट होती हैं, या फिर अगर वो टाइम की होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, बहुत बड़ी फाइल्स होती हैं। तो इसमें जो प्रोग्राम्स और जो स्टेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, विद इन अ डिकेड के हैं की बात की जा रही है कि पाकिस्तान ने